जी व्यूअर्स, आफ्टर 8 डेज जो आप लोगों के साथ इसकी अपडेट्स हैं वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आफ्टर 8 डेज जो हम लोगों ने जो सॉइल मिक्स के अंदर प्लांट की थी कटिंग्स, वो आप लोग देख सकते हैं कि वो भी हेल्दी ग्रो कर रही हैं, न्यू शूट्स जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं और काफ़ी हेल्दी शूट्स जो हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं उनके ऑल कटिंग्स जो हैं उन्होंने अपने शूट्स जो हैं वो डेवलप करना स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि आप विज़िट कर रहे हैं। और इसके साथ जो वाटर कंटेनर के अंदर जो प्लांट्स थे वो भी आप लोग विज़िट कर रहे हैं कि वो भी शूट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हेल्दी ग्रो कर रहे हैं और ऑलमोस्ट ऑल कटिंग्स जो हैं उन्होंने 2 to 3 जो शूट्स हैं वो प्रोड्यूस की हुई हैं। और इनको फर्दर कंटेनर के अंदर जो है वो मैं शिफ्ट कर दूँगा। और यहाँ पर जो हम लोगों ने वाटर बॉन्साई के तौर पे जो ग्रो करने के लिए प्लांट किए थे प्लांट्स, वो भी जो कटिंग्स हैं वो भी शूट्स जो हैं प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे कि आप विज़िट कर रहे हैं वो भी हेल्दी ग्रो कर रही हैं। और अभी चलते हैं हम आप लोगों को इनके जो बिगर प्लांट्स जो हम लोगों ने बिगर कटिंग्स जो हैं वो प्लांट की थी उनकी क्या कंडीशन हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। जी व्यूअर्स, यहाँ पर जो बिगर कटिंग जो थी इसकी जो मैंने वाटर के अंदर जो है वो प्लांट की थी, प्लेस की थी, वो भी आप लोगों के साथ सामने है। वो आप लोग देख सकते हैं कि वो भी शूट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही है, हेल्दी ग्रो कर रही है। और यहाँ पे भी इसने जो शूट्स हैं वो प्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि आप विज़िट कर रहे हैं। और विद इन अ फ्यू डेज़ ये अपने जो शूट्स हैं वो काफ़ी डेवलप कर लेंगे। और ये कंटेनर जो है ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो कटिंग इसकी मैंने सॉइल मिक्स के अंदर जो हम लोगों ने एयर लेयरिंग जो थी रिसीव की थी उसकी भी विज़िट करवाता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे जो एयर लेयरिंग हम लोगों ने रिसीव की थी उसका कंटेनर है, जैसे कि आप लोग विज़िट कर रहे हैं। और ये प्लांट जो है ये भी हेल्दी ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे इसने लोअर लीव्स जो हैं वो अपने ड्राई कर दिए, लेकिन ये प्लांट जो है ये इन फ्यूचर अपने न्यू शूट्स जो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। ये इसका एक नेचुरल प्रोसेस है। प्लांट जो है एक एयर लेयरिंग जो है वो शॉक में है, जिसकी वजह से उसने अपने लीव्स जो हैं वो ड्राई कर दिए, लेकिन इसके अपर लीव्स जो हैं न्यू शूट्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये प्लांट जो है ये भी हेल्दी ग्रो कर रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों के साथ जो इसका मदर प्लांट है जिसकी कटिंग्स और एयर लेयरिंग हम लोगों ने रिसीव की थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देख सकें तो न्यू शूट जो है वो भी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे न्यू शूट जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है। और जौन सी जो हम लोगों ने इनकी जो शूट्स जो थी ओल्डर जो कटिंग रिसीव करने के लिए हम लोगों ने प्लांट जो है उसको कट बैक किया था, वहाँ से ये अपने न्यू शूट्स जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है। और अभी मैं इसके जो और यहाँ पर मैं इसकी जो बाकी की जो शूट्स हैं, बाकी के जो ब्रांचेस हैं, इनको भी कट बैक कर दूंगा ताकि ये प्लांट जो है ये और ज़्यादा बुशर होता जाए। और जैसा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो कटिंग मैंने रिसीव की थी वहाँ से ये शूट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आप यहाँ पे इसको विज़िट कर सकें तो इस पोर्शन से जो न्यू शूट जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है। और इन फ्यूचर इसके जो बाकी की ब्रांचेस हैं इनको भी मैं प्रून कर दूंगा, कट बैक कर दूंगा, तो ये प्लांट जो है और ज़्यादा बुशियर होता जाएगा और ज़्यादा ब्रांचेस और ज़्यादा शूट्स जो हैं प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्लांट को जो है मैंने इसके कुछ ब्रांचेस जो हैं वो सेव कर ली थी और इन ब्रांचेस को जो है इनको भी मैं कट बैक कर दूँगा, तो ये प्लांट जो है ये हेल्दियर और बुशियर होता जाएगा। जी व्यूअर्स, आफ्टर फ्यू मोर डेज़ आप चेक कर सकते हैं कि हमारी जितनी भी कटिंग्स एंड ट्रॉसिन हैं कि वो हेल्दी ग्रो कर रही हैं। और यहाँ पे जो कटिंग्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये वो वाली कटिंग्स हैं जो मैंने एज इट इज़ एक पॉट के अंदर जो है वो डेवलप करने के लिए रखी थी। इनको मैंने अभी इंडिविजुअल पॉट्स के अंदर जो है वो शिफ्ट नहीं किया। ये हमारी जो ऑल कटिंग्स जो थी वो हैं। और यहाँ पर वो वाली कटिंग्स जो हैं वो जो हम लोगों ने गार्डन सॉइल के अंदर जो है प्लेस की थी, और उसको भी आप देख सकते हैं कि हेल्दी ग्रो कर रहा है ये पॉट जो है। उसकी ऑल कटिंग्स जो हैं वो सक्सेसफुली ग्रो कर रही हैं। हमारा जो सक्सेसफुल रेट है वो 100% है इस
प्रोजेक्ट में हमारी जितनी भी कटिंग्स हैं जो सॉइल मिक्स के अंदर हम लोगों ने प्लेस की थी वो भी हेल्दी ग्रो कर रही हैं, और आप इन प्लांट्स की हेल्थ और ग्रोथ जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे जो टू पॉट्स जो मैंने क्रिएट करे थे आपके लिए, जैसे कि बॉन्साई के लिए, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं कि वो भी हेल्दी ग्रो कर रहे हैं और इनका भी जो सक्सेसफुल रेट है वो 100% है। तीन कटिंग्स जो हैं ईच पॉट के अंदर जो है मैंने डेवलप करने के लिए रखी थी, और तीनों की तीनों जो हैं वो डेवलप हो रही हैं और तीनों की तीनों शूट्स जो हैं प्रोड्यूस कर रही हैं। और प्लांट्स जो हैं उनकी हेल्थ और ग्रोथ जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पॉट है ये भी आप विज़िट कर सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल ग्रो कर रहा है, और आप इसको अपने जो है साइड टेबल पे डेवलप करने के लिए रख सकते हैं, इंडोर ग्रो कर सकते हैं आप इनको, और आप अपनी ऑफिस टेबल पे इनको ग्रो कर सकते हैं। और ये कितना ब्यूटीफुल प्लांट जो है वो क्रिएट हुए हैं, और आप इनको विज़िट कर सकते हैं। अभी चलते हैं जो बाकी के बिगर कटिंग्स जो थी और जो एयर लेयरिंग है उसकी डेवलपमेंट चेक करते हैं कि वो कितने हेल्दी डेवलप हुए हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो बिगर कटिंग जो थी वो भी हेल्दी ग्रो कर रही है, नई शूट्स जो है प्रोड्यूस की जा रही हैं। इसको भी मैंने वाटर कंटेनर के अंदर जो है वो डेवलप होने के लिए रखा था एज ए वाटर बॉन्साई, और आप इसकी हेल्थ और इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मार्क्स आप देख रहे हैं यहाँ से ये अपना रूट सिस्टम जो है वो डेवलप करेगा यहाँ पे भी, और इसने काफ़ी अच्छा जो रूट सिस्टम है वो डेवलप किया हुआ है जो मैंने भी चेक किया है। और यहाँ पे आप इसकी ग्रोथ और इसकी हेल्थ और इसकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। ये प्लांट जो है ये भी हेल्दी और सक्सेसफुली ग्रो कर रहा है। अभी चलते हैं जो एयर लेयरिंग हम लोगों ने डेवलप करने के लिए प्लेस की थी उसको चेक करते हैं। जी व्यूअर्स, और यहाँ पर जो एयर लेयरिंग हम लोगों ने रिसीव की थी ड्रैसिना के प्लांट से, बिगर ट्री से, उसकी जो विज़िट करवा रहा हूँ मैं आपको, और ये टेराकोटा पॉट के अंदर हम लोगों ने प्लेस किया था। और यहाँ पे आप इस ट्री की हेल्थ और ग्रोथ देख सकते हैं, न्यू शूट्स जो हैं वो मर्ज हो रही हैं यहाँ पे, अगर आप चेक कर सकें तो न्यू शूट्स जो हैं वो मर्ज हो रही हैं, न्यू डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट है। यहाँ पे भी उसने जो न्यू ग्रोथ जो है वो डेवलप करना स्टार्ट किया है, यहाँ पर भी न्यू शूट्स जो है वो मर्ज हो रही है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि न्यू शूट जो है वो डेवलप हो रही है। इसके जो लोअर लीव्स हैं, क्योंकि प्लांट जो है वो शॉक में गया था, तो इसके जो लोअर लीव्स हैं वो ड्राई हो चुके हैं, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप इसको जो अच्छे से विज़िट कर सकें। जी व्यूअर्स, अभी आप इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे भी जो न्यू ग्रोथ जो है वो डेवलप हो रही है, और काफ़ी अच्छी शूट्स जो हैं उसने प्रोड्यूस की हैं यहाँ पे, अगर आप चेक कर सकें इसको, यहाँ पे भी शूट्स जो डेवलप हो रही है यहाँ पे भी, और इस पोर्शन से भी ये टू शूट्स जो हैं ये प्रोड्यूस कर रहा है, प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब है इसने अपना रूट सिस्टम जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है, और ये भी एक खूबसूरत और ब्यूटीफुल प्लांट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, और इसके अपर जो लीव्स हैं वो हेल्दी डेवलप हो रहे हैं। अभी चलते हैं इसका मदर प्लांट जो है उसकी विज़िट करते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे ये ड्रैसिना का मदर प्लांट है जिसकी हमने चॉपिंग की थी, जिसकी हमने क्रॉपिंग की थी, और इसकी भी हेल्थ और डेवलपमेंट जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि न्यू शूट्स जो है ये भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोगों ने जो बिगर कटिंग रिसीव की थी, स्कार जो है वो हील हो चुका हुआ है, हेल्दी डेवलप हो रहा है, और यहाँ से इसके साथ बिल्कुल इसने एक न्यू शूट जो है वे भी डेवलप करना स्टार्ट की है, और जैसा कि आप इसको विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जिस पोर्शन से हम लोगों ने एयर लेयरिंग रिसीव की थी उसका स्कार जो है वो भी आप विज़िट कर सकते हैं कि जो है हील हो चुका हुआ है, हेल्दी डेवलप हो रहा है, और उसके साथ उसने ऑलमोस्ट वन न्यू ब्रांच जो है ये डेवलप की है, यहाँ से सेकंड ब्रांच है इसकी, और यहाँ से इसकी बैक साइड से आप देख सकते हैं कि ये थर्ड ब्रांच जो है ये डेवलप कर रहा है। तो प्लांट जो है वो हेल्दी डेवलप हो रहा है, और उसकी क्रॉपिंग और उसकी चॉपिंग से बेनिफिशरी जो है डेवलपमेंट हमारे सामने आई है, और आप इसकी हेल्थ और इसकी ग्रोथ जो है वो विज़िट कर सकते हैं। इन फ्यूचर जो है इसके जो बिगर शूट्स जो हैं इनको अगेन मैं चॉप करूँगा और अपने प्लांट्स जो इनको मल्टीप्लाई करूँगा। और यहाँ से आप इस मदर प्लांट को जो है विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी टॉलर हो गया फिर से,
इसको चॉप किया जा सकता है दोबारा, लेकिन इसकी अभी मैं चॉपिंग नहीं करूँगा, इन फ्यूचर इसकी चॉपिंग की जाएगी। जी व्यूअर्स, आपको ड्रासीना जो है उसके बिगोट्री की जो प्रूनिंग है उसकी चॉपिंग उसको शॉर्ट करने के रेफरेंस से और उससे जो कटिंग हम लोगों ने रिसीव की थी उनसे अपने प्लांट्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई करने के रेफरेंस से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरा जो वीडियो है वो कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप भी अपने गार्डन में अगर आपके पास जो ड्रासीना जो है उसका बिगोट्री है उसको इस तरह चॉप करके अपने प्लांट्स जो हैं उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप विज़िट कर सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली हम इनसे जो न्यू प्लांट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसके रेफरेंस से अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई इंक्वायरी हो आपको कि किस तरह हम अपने गार्डन में जो ड्रासीना है उसको प्लांट कर सकते हैं, उसकी चॉपिंग कर सकते हैं, उससे क्रिएट कर सकते हैं न्यू प्लांट्स, तो उसके रेफरेंस से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रिक्वायर्ड हो तो यू कैन आस्क मी, आई विल बी देयर फॉर यू। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।